आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है, अ थिन सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज ओवर इट्स लेंथ। कंसीडर टू पॉइंट्स, द सेंटर ऑफ द रिंग ओ एंड अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एंड पी इज वी ओ बाई वी पी इज इक्वल रूट ओवर 10/1, देन वैल्यू ऑफ ए बाय आर इज क्या पूछा गया। तो देखो, एक अगर हम लोग के पास ऐसे एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ऐसे एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस हम लोग मान लें आर है जो दिया गया है, तो और इसका मान लो इसमें पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसका एक्सिस पे, ठीक है, अगर ये इसका ऐसे एक्सिस ऑफ द रिंग है, ठीक है, ऐसे, तो एक्सिस का एट अ पॉइंट पी विच इज एट द डिस्टेंस जेड मान लो, ठीक है, विच इज एट द डिस्टेंस जेड, तो उस पे इसका जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वी पी फॉर दिस सर्कुलर रिंग दैट इज इक्वल टू होता है तुम्हारा के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा के है, के इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग का दो पॉइंट्स दिया गए हैं। एक पॉइंट है सेंटर ऑफ द रिंग ओ, तो सेंटर ऑफ द रिंग के लिए जो ये डिस्टेंस है, ये जेड जो डिस्टेंस है, जेड विल बी इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट ओ जो है इसका सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इसमें अगर जेड पे 0 पुट कर दे तो वी पी हम लोग को क्या मिलता है, के क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर विच इज प्लस 0 विच इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर इसका रेडियस है। और देखो, ये हम लोग का, सॉरी, ये वी ओ मिल गया हम लोग का, ठीक है, क्योंकि वी पी है एट अ पॉइंट जेड। अभी देखो, यहाँ पे हम लोग का दूसरा पॉइंट दिया गया पी विच इज एट द ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट एक्स एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो एट अ डिस्टेंस ए है, मतलब जेड इज इक्वल टू ए पुट करना पड़ेगा। सो जेड इज इक्वल टू ए फॉर पॉइंट पी, तो वी पी हम लोग का क्या आएगा, के क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, रेशियो दिया गया है वी ओ बाई वी पी इज इक्वल टू रूट ओवर 10/1। सो वी ओ बाई वी पी इज इक्वल टू रूट ओवर 10/1 विच इम्प्लाइज वी ओ हम लोग का क्या है, के क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वी पी है के क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10/1, ठीक है। तो के क्यू कैंसिल चला गया, तो ये आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू रूट 10/1 विच इम्प्लाइज दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10/1 विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आर स्क्वायर विच इम्प्लाइज क्या आएगा, 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो क्या चाहिए, देखो, वैल्यू ऑफ ए बाय आर, ठीक है। तो ए बाय आर हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बाय आर इज इक्वल टू 3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आएगा तो 3/1, ठीक है। तो ए बाय आर हम लोग को मिल जाए 3/1, ठीक है। थैंक यू सर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।